आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 31 अगस्त 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दरकार है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स अल्फा कॉमा बीटा सच दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाई द पॉइंट दिस। अपने के पास ये तीन अलग अलग पॉइंट से एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म क्या करें, इसका अपने के पास एरिया दे रखा है इतना स्क्वायर यूनिट के बराबर। देन द लीस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ए इन। ठीक है, अपने के पास क्या करा है, ए से अपने के पास ओरिजिन का सबसे लीस्ट जो पॉसिबल अपने के पास लेंथ है वो हमें बताने हैं। चलो सबसे पहले अपने के पास फोटो बना लो। जब भी अपने के पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है फोटो तो बनाना कंपलसरी है। इसका अपने नाम ए दे रखा है, ठीक है। रिमेनिंग का अपने के पास ए बी सी डी मान लेते, ए बी और ये अपने के पास सी के बराबर है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने के पास अल्फा कॉमा बीटा दे रखा है, चलो रहने दो। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने किसके बराबर दे रखा है, तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने के पास बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने के पास 5.6 के बराबर और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने के पास दे रखा है किसके बराबर 3.2 के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। इसका एरिया अपने के पास किसके बराबर दे रखा है, क्वेश्चन में अपने के पास बता रखा है इसका एरिया, बताओ तो इसका एरिया किसके बराबर दे रखा है। इसका जो एरिया वो अपने के पास 12 स्क्वायर यूनिट के बराबर दे रखा है, 12 स्क्वायर यूनिट के बराबर, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। जब इसका एरिया अपने के पास 12 स्क्वायर यूनिट के बराबर दे रखा है तो अब आगे क्या करें, तो इसका एरिया लिखो, सीधी सी बात है। और हमारे पास क्या बोल रहा है कि इससे अपने के पास इससे ओरिजिन ओरिजिन अपने के पास कहीं पर होगा, हमें क्या पता, यहाँ पर ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है। ओरिजिन अपने के पास इधर ही मान लें, यहाँ पे अपने के पास ओरिजिन है जिसका अपने पास 0.0 के बराबर दे रखा है। यहाँ से हमारे पास क्या बोल रहा है, इसका अपने पास लीस्ट पॉसिबल लेंथ बताने, सबसे छोटा लेंथ अपने पास क्या हो सकता है, तो लीस्ट पॉसिबल लेंथ अपने पास यहाँ से लेकर यहाँ तक हम डी मान लेते हैं, डी का अपने पास सबसे छोटा लेंथ बताने, तो डी इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो डी इक्वल टू आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ, बता सकते हो क्या, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर, अल्फा स्क्वायर प्लस टाइम्स बीटा स्क्वायर के बराबर, ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अल्फा और बीटा में यहाँ अपने के पास क्या कर लूँ, तो यहाँ से अपने पास अल्फा और बीटा में कोई एक रिलेशन बन जाएगा तो हमारा काम बन सकता है। डिफ्रेंसिएशन का यूज करते हुए हम लीस्ट पॉसिबल वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा और बीटा के लिए रिलेशन के लिए एरिया अपने के पास निकालना ही पड़ेगा दया, यहाँ से आ गया किस बराबर, तो 1/2 और ये रहा अपने के पास डिटर्मिनेंट किसके बराबर, अल्फा बीटा और ये रहा 1 के बराबर, यहाँ से आ गया अपने पास 3, 2, 1 और ये रहा अपने के पास आ जाएंगे 5, 6 और ये रहा 1 के बराबर। इसका जो एरिया दे रखा ना वो अपने के किस बराबर दे रखा, तो दे रखा 12 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट, तो जैसे अपने का सॉल्व करेंगे तो अल्फा इंटू किस बराबर जाएंगे, अल्फा ये गया, ये अगर अपने 2 - 10 = 6 के बराबर, हाँ है ना, देख लो 2 - 6 बराबर, -10 बीटा इंटू ये गया और ये गया तो किस बराबर जाएंगे 3 - 5 के बराबर, और प्लस टाइम्स 1 * किस बराबर जाएंगे, ये और ये गया तो ये अपने 18 - 10 के बराबर, हाँ है ना। इक्वल टू हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं प्लस माइनस 24 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर अपने पास एक मॉड भी आएगा, इसलिए मॉड आएगा क्योंकि अपने पास डिटरमिनेंट वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये आगे अपने पास 2 को इधर मल्टीप्लाई किया 24 और ये मॉड को हटाएं तो प्लस माइनस 24 के बराबर। यहाँ से अपने पास थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो किस तरह जाएंगे, 6 में से 2 जाएगा तो -10 4 अल्फा के बराबर और ये किस तरह जाएंगे तो प्लस टाइम्स किस तरह जाएंगे, तो ये आगे अपने पास 5 में से 3 जाएगा तो 2 बीटा के बराबर और ये आ गया प्लस टाइम्स 8 के बराबर इक्वल टू, ये आ गया अपने के बराबर इक्वल टू प्लस माइनस 24 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने के पास क्या करो, एक बार प्लस ले लेते हो और एक बार अपने के पास माइनस ले लो, एक बार प्लस और एक बार अपने के पास माइनस ले, जैसे अपने के पास प्लस और माइनस लेंगे तो यहाँ से अपने के पास किस बराबर जाएंगे बताओ, प्लस लेंगे तो किस तरह जाएंगे -10 4 अल्फा प्लस टाइम्स 2 बीटा के बराबर और ये किस तरह जाएंगे तो प्लस टाइम्स 8 इक्वल टू आ गया 24 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो -10 4 अल्फा प्लस टाइम्स 2 बीटा के बराबर और इक्वलिटी किस बराबर देंगे तो यहाँ से आ गया अपने के पास 24 इधर जाएगा तो 24 8 16 38 24 यानी 16 के बराबर, 2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन ही ले लेते हैं यानी तो 2 ही कॉमन लेना, जैसे अपने के पास 2 कॉमन लेंगे तो किस बराबर देंगे तो -10 2 अल्फा प्लस टाइम्स बीटा के बराबर और इक्वलिटी आ गया अपने के पास 16 के बराबर, यानी यहाँ से अपने के पास -10 2 अल्फा प्लस टाइम्स बीटा इक्वलिटी किस बराबर देंगे तो ये आ गया अपने के पास 8 के बराबर, यानी बीटा इक्वलिटी किस बराबर देंगे 8 + 2 अल्फा के बराबर, बीटा इक्वल टू आ गया अपने पास 8 + 2 अल्फा के बराबर। सिमिलरली अपने पास इसको माइनस लेने के बाद सॉल्व करो, माइनस लेने के बाद सॉल्व करेंगे तो किस तरह आ जाएंगे तो -10 4 अल्फा प्लस टाइम्स 2 बीटा + 8 के बराबर इक्वल टू आ गया -10 24 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो किस तरह आ जाएंगे -10 4 अल्फा + 2 बीटा के बराबर, है ना, और इक्वल टू आ गया 24 और 8 जाएगा तो 8 24 और 32 के बराबर 32 के बराबर। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, 2 जैसे कॉमन लेंगे तो ये आ गया अपने पास -10 2 अल्फा प्लस टाइम्स बीटा के बराबर और इक्वलिटी किस बराबर देंगे तो यहाँ से अपने के पास बताओ तो इक्वल टू आ गया अपने के पास -10 32 तो यहाँ से आ गया अपने के पास 16 के बराबर, क्योंकि अच्छा ये आ गया अपने के पास, चलो यहाँ से 32 ही रहने दो, किस बराबर देंगे 32 के बराबर, यानी -10 2 अल्फा और प्लस टाइम्स बीटा इक्वल टू आ गया -10 16 के बराबर, यानी बीटा इक्वलिटी किस बराबर देंगे तो ये आ गया 2 अल्फा और -10 16 के बराबर। कोई इतराज, अल्फा और बीटा में अपने के पास
रिलेशन आ गया। बीटा का अपने के वैल्यू ऊपर चिपकाते हैं, फिर अपने के देख लेते हैं करना क्या है। यहाँ से अपने के डी बताओ, डी इक्वल टू किसके बराबर है, डी इक्वल टू है अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर और प्लस टाइम्स बीटा स्क्वायर के बराबर है ना। यहाँ से अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, अल्फा की जगह अपने के एक बार क्या करते हैं, तो अल्फा की जगह अपने के एक बार, बीटा की जगह एक बार ये चिपकाते हैं, तो यह एट प्लस टाइम्स टू अल्फा के बराबर है। एट प्लस टाइम्स अल्फा स्क्वायर और प्लस टाइम्स एट और प्लस टाइम्स करा देंगे टू अल्फा के बराबर, इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर। कोई इतराज ये नीचे ना देख लो, तो एट प्लस टाइम्स टू अल्फा का होल स्क्वायर। यहाँ से अपने क्या करो पूरा बहुत अपने का सॉल्व कर लो, तो किस तरह जाएंगे अल्फा स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स किस तरह जाएंगे, तो ये आ गया 64 के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने का 4 अल्फा स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स किस तरह जाएंगे 8 दुनी 16 दुनी 32 32 अल्फा के बराबर है ना। यहाँ से सॉल्व करो तो किस तरह जाएंगे, तो ये आ गया अपने का 5 अल्फा स्क्वायर के बराबर है ना और प्लस टाइम्स ये आ गया 32 अल्फा के बराबर और प्लस टाइम 64 के बराबर। कोई दिक्कत, डी आ गया अपने के पास, ठीक है। डी इन टर्म्स ऑफ अल्फा आया, हमारे पास क्या बोला जा रहा है, इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है, लीस्ट वैल्यू चाहिए, तो अपने के पास डिफ्रेंशिएट कर लेना। यहाँ से अपने के पास डी डैश किसके बराबर जाएंगे, यानी तो अपने के पास चलो डी डैश ही रहने दो, डी डैश अपने किस तरह जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ, तो 1 अपॉन में किस तरह जाएंगे 2 और स्क्वायर रूट ऑफ अपने के पास ये आ जाएंगे 5 अल्फा स्क्वायर के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ गया 32 अल्फा के बराबर और प्लस टाइम्स 64 के बराबर है ना। ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। कोई इतराज यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, यानी अपने के पास डी इक्वल टू तो इसके बराबर आ गया, ठीक है। डी डाइस अपने के जब ये इसके बराबर और चेन रूल से डिफ्रेंशिएट भी करोगे ना, तो 10 अल्फा और प्लस टाइम्स करा देंगे 32 के बराबर है ना। जैसे 10 अल्फा 32, अगर अपने के इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अपने के पता करना है, तो यहाँ से अपने के इसका वे भी कर्व मेथड पे जाओ, यहाँ से अपने के वे भी कर्व मेथड जाओगे, तो यहाँ से अपने के पास अल्फा का क्रिटिकल पॉइंट निकालो, तो ये किस तरह जाएंगे माइनस टाइम्स 32 और अपॉन 10 के बराबर। अब अपने के पास क्या करो, इससे अगर ज्यादा ले तो माइनस 32 अपॉन 10 से ज्यादा लेते, तो ये अपने के पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। तो यानी अपने इस पे क्या देगा, ये अपने मिनिमम वैल्यू देगा माइनस 32 अपॉन 10 के बराबर, ठीक है। जैसे अपने माइनस 32 अपॉन 10 पे मिनिमम वैल्यू दे देगा, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू किसके बराबर हो गया, अल्फा अपने के पास तो कैसे किसके बराबर हो जाएंगे माइनस टाइम्स 32 और बट्टा अपने किसके बराबर हो जाएंगे 10 के बराबर, माइनस 32 बट्टा 10, इसको अपने थोड़ा सा अपने के पास सॉल्व कर लो, 32 बट्टा 10 अपने किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स, ये आ गया अपने के पास 16 दूनी 32 और अपन में किस बराबर जाएंगे 5 के बराबर, 5 दूनी 10 यानी क्या माइनस 16 बट्टा 5 के बराबर। जब अल्फा ये आ गया और बीटा अपने किसके बराबर रह जाएंगे, तो बीटा इक्वल टू यहाँ से अपने जोड़ लो ना, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 2 जैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो बीटा इक्वल टू 8 प्लस 2 अल्फा के बराबर है, 8 प्लस 2 अल्फा के बराबर। जैसे अपने का सॉल्व करोगे, तो ये आ गया 8 और ये आ गया अपने किसके बराबर माइनस टाइम्स, ये आ गया अपने 32 और बट्टा में 5 के बराबर, ये आ गया अपने 40, 8 में से 40 से 32 जाएगा कितना बचेगा, 40 से अपने 32 घटाओ तो 40 में से 32 जाएगा, तो अपने 8 बचेगा और 8 अपॉन 5 के बराबर, यानी बीटा इक्वल टू 8 अपॉन 5 के बराबर है। हमें डी पता करना है, तो डी इक्वल टू किस बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ से अपने क्या करो थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो, तो अल्फा अपने किस कराएंगे 16 का स्क्वायर और अपॉन में 5 का स्क्वायर, यानी तो अपने इसको ऐसे लिख लो, क्या गया अपने किसके बराबर माइनस 10 16 और बट्टा माइनस 10 16 बट्टा 5 का होल, 5 का होल स्क्वायर और एक कराएंगे प्लस 10 से आ गया अपने 8 बट्टा 5 का होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अपने 8 बट्टा 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। जैसे अपने कॉमन लेंगे ना, तो 8 बट्टा 5 और यहाँ से अपने सॉल्व करोगे 8 बट्टा 5 8 बट्टा 5 के बराबर और यानी 8 अपॉन 5 के बराबर और यहाँ से आ गया अपने किस बराबर 4 और अपॉन में किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 4 प्लस 1 के बराबर किसरा आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने 4 प्लस 1 के बराबर। इसके अंदर स्क्वायर रूट इतना कैलकुलेशन आनी चाहिए, 8 अपॉन में अपने किसरा आ जाएंगे रूट 5 के बराबर, यानी डी इक्वल टू आ गया 8 अपॉन रूट 5 के बराबर। डी अपॉन 8 अपॉन रूट 5 देखिए कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 8 अपॉन रूट 5 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। क्या पता अपने के पास इससे भी कम हो, 8 अपॉन रूट 5 से भी कम है, तो 4 अपॉन रूट 5, तो अपने के पास दूसरा ऑप्शन से क्या ये आंसर आ रहा हो, यहाँ से अपने के बताओ। अबे तू इधर हो जा, ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना, ठीक है। यहाँ से अपने के बीटा बता सकते हो क्या, यहाँ से अपने के बीटा का वैल्यू, यहाँ से डी इक्वल टू इसके बराबर हो गया, तो यहाँ से अपने के डी बताओ, तो यहाँ से डी इक्वल टू किसके बराबर है अल्फा स्क्वायर और प्लस टाइम्स बीटा की जगह अपने अब क्या डालते हैं, बीटा की जगह 2 अल्फा माइनस टाइम 16 का होल स्क्वायर, 2 अल्फा और माइनस टाइम 16 इन पूरे का होल स्क्वायर। चलो गुरु हो जाओ शुरू, यहाँ से अपने के आ जाएंगे, तो यह अपने अल्फा स्क्वायर और प्लस टाइम्स यहाँ से सॉल्व कर लो, तो यह अपने के पास 2 अल्फा यानी 4 अल्फा स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम 16 का स्क्वायर किसके बराबर जाएंगे, अच्छा 16 का स्क्वायर अपने के पास और भी ज़्यादा हो जाएंगे भाई, 16 का स्क्वायर जो भी होगा यहाँ पर रहने दो, और ये किस तरह आ जाएंगे, तो प्लस टाइम्स अपने के बताओ, तो माइनस टाइम्स अपने के 16 दुनी 32 दुनी 48 48 अल्फा के बराबर है ना। 16 का स्क्वायर आ गया 16 दुनी 32 दुनी 48 के बराबर, यह आ गया डी के बराबर हाँ या ना। जैसे अपने के डी इसके बराबर हो गया, तो यहाँ से अपने के डी बताओ, तो यह आ गया अल्फा स्क्वायर यानी आ गया अपने पास 5 अल्फा स्क्वायर के बराबर, 5 अल्फा स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम माइनस टाइम से अपने के आ जाएंगे 48 अल्फा के बराबर और प्लस टाइम 16 स्क्वायर के बराबर। हमें इसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो डी डैश निकालते हैं, डी डैश अपने अल्फा के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करें और कुछ नहीं,
वन अपॉन में टू स्क्वायर रूट ऑफ आप इनकी करा देंगे 5 अल्फा स्क्वायर के बराबर माइनस 10 48 अल्फा और प्लस 10 16 अल्फा स्क्वायर के बराबर। इसको आप डिफ्रेंशिएट करो तो किस तरह देंगे 10 अल्फा के बराबर और माइनस 10 48 के बराबर। ये तो कभी जीरो होने से रहा, जब ये जीरो हो नहीं सकता तो आपने कहा जीरो यही होगा। इसका आपने कहा वे भी कर्व मेथड बनाओ, यहाँ से आपने कहा जैसी वे भी कर्व मेथड पर आपने कहा इसको ड्रॉ करोगे यहाँ से आपने किस तरह देंगे तो या आपने कहा 10 48 बट्टा 10 के बराबर 48 बट्टा 10 के बराबर। जैसे ही 48 बट्टा 10 आ जाएगा तो ये आपने कहा 48 बट्टा 10 इसका मतलब किस करा देंगे तो यहाँ आपने के पास 24 लूंगी यानी 24 बट्टा 5 के बराबर हो जाएंगे। हाँ है ना, यहाँ से आपने कहा 24 बटा 5 से ज्यादा लोगे तो ये प्लस और ये आपने कहा माइनस के बराबर है। यहाँ पे भी आपने कहा मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है लेकिन आपने के पास देख लो यहाँ से आपने कहा जैसी मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है तो अल्फा इक्वल टू आ गया आपने कहा 24 बटा 5 के बराबर। जब अल्फा इक्वल टू आ गया 24 बटा 5 के बराबर ये आपने कहा क्या अल्फा ही तो लिख रहे हैं यहाँ पे तो बीटा इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे बीटा इक्वल टू कहाँ पे चिपकाओ तो यहाँ से चिपका लो तो 2 अल्फा माइनस 10 16 के बराबर 2 अल्फा और माइनस 10 16 के बराबर 2 अल्फा आपने कहा हो जाएंगे तो ज्यादा आपने के पास 24 नहीं 48 और बट्टा आपने कहा 5 के बराबर और माइनस 10 16 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व करो तो किस तरह 16 पंचे 80 80 में से 48 माइनस कर लो तो यहाँ से आपने के पास 80 में से 48 माइनस करो ना 80 और माइनस 10 से आपने कहा किस तरह 48 के बराबर क्या गया 2 और यहाँ से आपने के पास आ जाएंगे 7 में से 32 के बराबर हो जाएंगे। हाँ है ना, यहाँ से किस तरह आ जाएंगे 32 अपॉन 5 के बराबर 32 अपॉन किस तरह आ जाएंगे 5 के बराबर। जैसे आपने कहा 32 अपॉन 5 के बराबर है बीटा इक्वल टू आ गया अल्फा इक्वल टू आ गया 24 बट्टा 5 के बराबर और कॉमा बीटा इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे 32 बट्टा 5 के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो ना तो अल्फा इक्वल टू ये आ गया और बीटा इक्वल इसको स्क्वायर करके सम करो और फिर रूट लो। इसमें अल्फा आ गया था 16 बट्टा 5 और 8 बट्टा 5, इसमें 24 बट्टा 5 और 32 बट्टा 5 है। इसमें आपने कहा वैल्यू हमेशा ज्यादा ही आएगा, ठीक है देख लेना आपने कहा वैल्यू हमेशा ज्यादा ही आएगा। जब हमेशा ज्यादा आएगा तो हमारे पास लीस्ट वैल्यू पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम इसको चेक ना करें, क्या पता कि सर आपका तो आंसर आ गया था ये चेक क्यों किए झूठ मूठ का इतना काम करने का, ठीक है तो सीधा सी मतलब क्या पता इससे कम वैल्यू आ जाए क्योंकि ऑप्शन में इससे कम वैल्यू। अगर मान लो हमारा आंसर आ जाता 4 अपॉन रूट 5 के बराबर ऑप्शन नंबर बी तो हमें जाने की जरूरत थी ही नहीं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं थी। तो ये थे आपने के पास जेई मेंस के 31 अगस्त 2021 के शिफ्ट सेकंड क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप हमें अब बना कर आना है, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। तो बस इस वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लगना तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इस वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।